लगातार जो है इस जनगणना को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे इसका? अब देखिए, जनगणना चूंकि हम लोग भी पासवान समाज से हैं और पासवानों की आबादी, तो सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए नीतीश कुमार जी के। जो लोग छुपे रुस्तम कहता था, दलित समाज के वोटों के उतने मूल वैल्यू नहीं समझते थे या उनको सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन आज देखिए पासवान समाज का द्वितीय हिंदू समाज में द्वितीय नंबर पर है, दूसरा नंबर पर है। जब गणना नहीं होती तो आज सामने उभर कर नहीं आता जो पासवान समाज की इतनी जनसंख्या है। मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी ने बहुत ही अच्छे काम किए, इसलिए पासवान समाज की तरफ से नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट, जो उन्होंने जनसंख्या बताने का काम किए और जो हम लोगों की भागीदारी है भागीदारी भी देने का काम करेंगे, पूर्ण विश्वास। चिराग पासवान सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जाति गणना जो सही नहीं हो पाया है, तो एक तरफ पासवानों की बात आप हक की बात करें, उधर वो भी पासवान है, तो क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, मंच पर चढ़ के भाषण दे देना और जमीन पर उतर के काम करना, दोनों में बहुत फर्क रहता है। हम लोग जमीन पर रहने का काम करते हैं, उस समाज से आते हैं, उस झोपड़ी से होके आए हैं, जो दुख दर्द क्या पासवान समाजों की है। राजनीति सत्ता के लिए की जाती है, राजनीति किसी के गाली देने के लिए नहीं की जाती है, और गाली देने से किसी को राजनीति में हाई लेवल नहीं मिल जाता है। इसलिए अपने समाज को भला किस तरह से हो, पासवान समाज की भलाई किस तरह से हो, उस पर काम करना चाहिए किसी व्यक्ति को, न कि किसी के गाली देने से हम नेता बन जाए, किसी के विरोध करने से हम नेता बन जाए। इसलिए मेरा सलाह रहेगा, जो आप ऐसे समाज को भला करने गए हैं जो सबसे अंतिम पायदान पर है, और राजनीति सत्ता के लिए की जाती है, इसलिए सत्ता के हमेशा विरोध में रह करके सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना, ये उचित बात नहीं है। को लेकर बीजेपी अब बैकफुट पे नजर आ रही है, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले मैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके कारण आज जो गरीब समाज के लोग थे या जो जिनकी जनसंख्या ज़्यादा था, और समाज लोग नहीं समझ पाते थे। अब जिस तरह से पासवान समाज के संबंध में, पासवान समाज की जनसंख्या इतनी थी जो हम लोग भी नहीं सोचते थे कि इतना जनसंख्या है, और जब गणना हुई तो आप देखिए हमारे जिला में, खासकर समस्तीपुर जिला में सबसे ज़्यादा पासवानों की जनसंख्या है। इसके लिए मैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से मांग करता हूँ इंडिया गठबंधन से, तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हो भागीदारी, यह होना चाहिए, जिससे कि समाजों को लगे हर क्षेत्र में, तो समाज को लगे जनहीं हमको सरकार ने बहुत सारी चीज़ दी है। और नीतीश कुमार जी ने तो शुरू से ही जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार देने का काम किया, उसको जमीन पर नीतीश कुमार जी ही उतार करके आज दलित समाज के लिए आरक्षण देने का काम किया पंचायत में, जिसके कारण आज मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, नगर निगम के मेयर होते हैं, यहाँ इतनी प्रतिष्ठित पद को भी देने का काम आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ही करने का काम किए। इसलिए सबसे बड़े शुभचिंतक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी दलित समाज के लिए है। आज दलित समाज के लोग बहुत खुश है, खास करके पासवान समाज तो और बहुत खुश है। मंडल, अभी जैसे जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के साथ साथ जो आपके सत्तारूढ़ दल के नेता भी हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वो राजनीति कर रही है, हम लोगों का भी गणना हुआ है। हम दिल्ली में थे, फोन करके पूछा गया, फिर आए, फिर जितने परिवार के सदस्य थे सबको लिख कर ले गए, और आधार के पर देता है तो स्वाभाविक बात है। तो जो लोग मान लीजिए राजनीति करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन जनगणना सही हुई है, कोई भी जन कहता है जो हमको छूट गया, हमको कम हो गया, ये सब बेतुकी बात है। राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसमें सारे के सारे जितने जो जिस समाज के लोग थे सही सब आंकड़ा दिया गया है, सही गणना हुआ है जातियों का। काशीराम का जो सपना था मंडल और कमंडल की बात, आप क्या लगता है मंडल कमंडल में अब मंडल आगे रहेगा? नहीं, देखिए काशीराम जी ने भी उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लिए बहुत उन्होंने करने का काम किया है, और बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने दलित नहीं रहते हुए भी दलित समाज के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसलिए दलित समाज की ओर से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, जो जिस तरह से आपने जातीय गणना करा करके सबको जनसंख्या जो जितनी थी सब बताने का काम किए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और जब तक नीतीश कुमार जी है दलित समाज की आशा है कि आगे कल हम लोगों को न्याय मिलेगा। बीजेपी लगातार हमलावर है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष का काम है राजनीति करना, विपक्ष तो हम लोग सच्चाई बात भी बोलेगी, सरकार सच्चाई काम भी करेगी तो उसको उल्टा करने का काम करेगा।
इसलिए इसमें विपक्ष का काम है विरोध बोलना, लेकिन इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें जो हुई है सही सही जानकारियां दी गई है बिहार सरकार की तरफ से।